पहले तो इन्होंने, इन्होंने काम शुरू किया था एयरपोर्ट को टीवी स्टेशन रखो उसके बाद रेडियो रेडियो तो जिनका मुफ्ता है आते ढाई अरब डॉलर के स्कूक के बांध लिया अमर साहब उसमें भी उन्होंने बैठ के अब की दफा उन्होंने चकवाल हाफजाबाद जो मोटर सेक्शन मोटरवे का सेक्शन है ये काट काट के ये कर रहे हैं कभी वो लाहौर शयालकोट को कर देंगे कभी आप यहाँ पे बुरहान और कर इस्लामाबाद कर गए इस्लामाबाद लाहौर पूरा कर देंगे फिर दरमियान में से कट्टी लगेंगे फैसलाबाद आप उसके बाद ये कर देंगे पिंडी भटिया कर देंगे सो उन्होंने मोटरवे को इसी काम के लिए रख लिया कि कर्जे ले आते हैं उसके नाम पे सर गिरवी लाते हैं फिर नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे बताओ कि जना मेरी वजह से तरक्की रोकी हजूर आपने तो चालीस अरब डॉलर आपके दौर में हमने लिए कर्जे लिए यही ये टी स्टेशन यही रेडियो यही आपके ये मोटरवेज जो आप बनाते रहे कर्जे लेके वो ही जाके आप उल्टा उनके कर्जे लेके आते हैं और कौम को खुशखबरियां भी सुनाते हैं मुफ्ता साहब कि मुझे दाद दें कि साल डार जो कर्जा लाया था वो एट पॉइंट टू फाइव लाया था और मैं? मैं जो कर्जा लाया हूं सिक्स पॉइंट सिक्स पे लाया हूँ ये नहीं बताया था कि इंडिया की रिलायंस कंपनी जो है ना उसी ने भी उसी दिन जिस दिन इसने या फिर मुफ्ता साहब ने लिया उसी दिन उसने वहां पे उन्होंने थ्री पॉइंट मेरा ख्याल थ्री परसेंट पे रिलायंस कंपनी ले ली इंडिया की रिलायंस कंपनी पे दुनिया को ज्यादा रिलायंस है हमारे मुफ्ता साहब के पूरे <laughs> मुल्क पे ना उनको रिलायंस नहीं स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानियों को दो सौ बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं ये डार साहब का बयान था जो उन्होंने खुद दिया हुआ है इवन तकरीर निकाल के दी है जो उन्होंने वहां खड़े होकर फ्लोर पे की थी उसमें भी उन्होंने कहा था जनाब के पाकिस्तान का उनके मिनिस्टर स्विट्जरलैंड के मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तानियों के दो अरब डॉलर 200 अरब डॉलर और अमेरिका ने सिर्फ चौंतीस अरब डॉलर के लिए हमें उन्होंने बिल्कुल उन्होंने वहां डिक्री की है कि पाकिस्तानियों को नशर कर दो सौ अरब डॉलर पाकिस्तानियों के स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़े हैं सिर्फ स्विट्जरलैंड के बैंकों में बाकी बैंक, छोड़ दे छोड़ दे स्विटर दो सौ अरब और हम चौतीस अरब के लिए अमेरिका से जलील हो रहे थे और ये जो पैसा है ये उनके मिनिस्टर ने कहा था स्विट्जरलैंड के दो हजार तेरह साहब ने रेडियो पाकिस्तान को इंटरव्यू भी दिया वो भी काफी है हमारे पास उन्होंने कौमी असम्बली में ये बातें की रान अफजल साहब ने खुद कहा हुआ है और इनकी तकरीर की जो डेट है आमिर साहब वो माशाला मैं बताऊं इन्होंने नौ मे दो हजार चौदह को कौमी असम्बली में खड़े होकर रान अफजल साहब जो है ये पार्लियमी सेक्रेटरी थे उस वक्त फिनांस के इन्होंने कहा और पूरी दुनिया के अब जरा ये जहन में रखिए बत्तीस या ट्रिलियन या बत्तीस हजार डॉलर जो है वो टैक्स हेमंत में इन्होंने छुपा के रखे हुए हैं दुनिया के तो दबाव पर असर वहाँ स्विट्जरलैंड की हकूमत पे दुनिया भर से लोग चोरी करते हैं गरीब मुल्कों का पैसा लूटते हैं सिविल मिल्ट्री ब्यूरोसी हो आपके पॉलिटिशियंस हूँ बिजनेस मैन हूँ हमारे जैसे लोग हूँ पाकिस्तान से पैसा लूटते हैं लूट के वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए स्विट्जरलैंड में रखते हैं ये गरीब लोगों का पैसा है ये क्यों रखा हुआ है आपने तो स्विट्जरलैंड ने जो बैंक उनके उनके सेक्रेसी लाज से वो खत्म किए वो का छोड़ें जी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आप अपने मुल्क में जिनके खिलाफ अब तकीकत करेंगे उनका डाटा हम आपको सारा देंगे कि हमारे बैंक में पैसा कितना रखा हुआ है तो पाकिस्तानियों के बारे में बताया गया था दो सौ अरब डॉलर है डार साहब ने उस वक्त बहुत बड़ा जना भड़क मारी बाकी ने मारी कि हम ये पैसा बहर से वापस लेके आएंगे और आपको याद हो जरदारी साहब को भी साठ मिलियन डॉलर स्विट्जरलैंड बैंक का चार साल सारे निगोशिएट करते रहे सर उनके साथ डीलिंग होती रही है वो एक द्रख से दूसरे द्रख दूसरे से तीसरे द्रख छलांगे लगाते रहे अब चार साल बाद उन्होंने यह फरमाया है रान अफजल साहब ने कि यह बात झूठ थी कि पाकिस्तानियों में दो सौ अरब डॉलर है नहीं वहां पर जो अब आ गया ना उसमें ये अप्रूव हो गया तो ये आम आदमी को नेक्स्ट इलेक्शन में ये ना सोचे कि हम लोग ही शामिल हैं इन पैसों को वहां स्विट्जरलैंड पहुंचाने में अच्छा दूसरी बात ये थी उसमें ये कहते हैं कि अब अब जो एक और फिगर आ रहा है सत्तर अस्सी बिलियन डॉलर का आ रहा है सत्तर अस्सी बिलियन डॉलर है जब पाकिस्तान तो सत्तर अस्सी बिलियन डॉलर को सत्तर अस्सी रुपए तो नहीं है पूरा टोटल बराबर है अच्छा अगली बात इन्होंने क्या हरकत की है इन्होंने क्रेडिट भी ले लिया है कि जनाब की हम उनके स्विट्जरलैंड के साथ डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए हमने मुहिदे किए उनके साथ इन्होंने चार साल पूरे फराम किए हैं इस कल्पोरेट को जो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके गए थे बैंकों में पैसा रखा था आपका क्या ख्याल है आसे वाली जरदारी का साठ मिलियन डॉलर जो है वो स्विट्जरलैंड में पड़ा होगा इतने बड़े करवा लिया था इन्होंने पाकिस्तानी इसाक डार साहब ने बाकायदा बैठे उनके साथ उनका सिस्टम समझा चीजें समझी कितने पैसे हैं किस किस के हैं चार सालों में सब ने जो पैसा पार्क करना था इधर उधर वो कर चुके हैं अब चार साल बाद पार्क कराने के बाद इन्हों क्रेडिट भी ले लिया जनाब हर बात पे कहते हैं हमने समरी अप्रूव की हमने एफ बी आर को इजाजत दी कि आप जो निगोशिएट करें क्या लेकिन क्या? दो सौ अरब डॉलर निकले नहीं आमिर साहब ये बड़े समझदार लोग हैं ये वर्दाती है इन्होंने चार साल को हमको ट्रक की बत्ती के पीछे लगे आर बड़ा खुश रखा है, है। दो सौ अरब डॉलर ला ले के लाएंगे वो हमारे बार शबाश उम्र हिला के कहते थे जरदारी का पेट फाड़ के साठ मिलियन डॉलर लाऊंगा भाई दुबई के फ्लैट का भी कुछ नहीं किया नैब को अब करना पड़ रहा है दो सौ बिलियन डॉलर जो है स्विट्जरलैंड का भी मुकर गए वो तो वहाँ पैसे ही नहीं है तो लिहाजा जाने से पहले इंश्योर करके जा रहे हैं कि आइंदा कोई इस तरह की तफ्ती हो ना सके